तो आज देखो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता, तो थोड़ा ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे हम लोग। 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खंड खींचिए। हमारे पास खींचने के लिए कोई स्केल नहीं है तो इसका उपयोग करेंगे। 7.6 मान लेते हैं कि एक लाइन जो ड्रॉ करें वो 7.6 सेंटीमीटर है। तुम लोग स्केल से लेना और 7.6 ही लेना। ये मान लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। मान लिए हैं, है नहीं है, मान के चल रहा है। अब इसको हम लोग को बांटना किस अनुपात में, 5:8। ध्यान से देखना, 5:8 कहने का मतलब है कि इस रेखाखंड को ऐसे विभाजित करना है कि इसका एक हिस्सा पचमा भाग हो तो दूसरा हिस्सा कितना हो, आठवा भाग हो। इसे क्या स्पष्ट हो रहा है कि 13 भाग को 5 और 8 के भाग में बांट रहे हैं। तो 5 और जब 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ना। तो इस 13 को बांट रहे हैं इस रेखाखंड को। इस रेखाखंड में मान लो 13 इक्वल पार्ट है। मान लेते इस रेखाखंड में 13 इक्वल पार्ट है। उस 13 इक्वल पार्ट में से 5 इक्वल पार्ट को इस तरफ रखेंगे और 8 इक्वल पार्ट को इस तरफ रखेंगे। तुम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें बताए होंगे सेक्शन फॉर्मूला M1 M2 जो रेशियो को डिनोट करता है। तो वही M1 और M2 है ये जो रेशियो को डिनोट कर रहा है। तो ये रेखाखंड को हमें बांटना है 5:8 में, मतलब 5:8 के अनुपात में इसे बांटना है। तो यह बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यूनकोण खींचेंगे ए पे। एक न्यूनकोण कोई भी न्यूनकोण हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल बना सकते हैं हम लोग। 90 से लेकिन छोटा होना चाहिए। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मान लो यही लाइन ड्रॉ किए हैं, एक न्यूनकोण लेते हैं। ठीक, इस न्यूनकोण को बनाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हुआ है इस रेखाखंड को 13 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, है ना। 8, 5+8 यानी कि 13। तो 13 इक्वल पार्ट में इसको हम बांटेंगे। चलो बांटते हैं, 13 इक्वल पार्ट में। सपोज दैट मान लेते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th। तो 13 इक्वल पार्ट में बांटे और इसका नाम देते हैं। ये ए लाइन से लिया गया है, इसको मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। इस लाइन को दे देते नाम X, X नाम दे देते हैं, X कोई लाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 13 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में रहा देखो ना इंड है 13, तो इंड को इंड से मिला देना। बहुत सिंपल है, इंड पॉइंट को इंड पॉइंट से मिला देते हैं। मिला देते हैं इंड पॉइंट को इंड पॉइंट से मिला देते हैं। ट्रायंगल का रूप ले लिया। अब ध्यान से देखो किस रेशियो में बांटना था, 5:8। अब हम लोग 5 पे आएंगे, 5 पे A5 पे आ जाएंगे। A5 यहाँ ना, जितना बड़ा एंगल यहाँ पर बन रहा था ठीक उतना ही बड़ा एंगल यहाँ पर भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। चाप जिसको आर्क कहते हैं, यहाँ पे आर्क का मेजरमेंट करेंगे, यहाँ लेंगे, इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे। एक बार इसको यहाँ से हम लोग मूव करा के एक आर्क खींचते हैं। ये मान लो आर्क है, ठीक यही आर्क को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कहाँ ले आएंगे, 5 पे, और यहां से भी एक आर्क खींचेंगे। इसलिए अब इस आर्क की लंबाई को मेजर करेंगे, मापेंगे कितना बड़ा, इतना बड़ा है ना, इतना ही बड़ा यहां से हम लेके कट करेंगे। ये कटा, कटा ना। अब A5 से इसको मिला देंगे। हमेशा याद रखना जब हम फिगर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल दिखेगा। पैरेलल नहीं दिख रहा तो तुम कंस्ट्रक्शन गलत कियो। अब इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। जैसे ही मिला इस पे एक मान लेते हैं बी है, तो एक बी डैश मिलता है जो इस रेखाखंड को किस रेशियो में बांटता है, 5:8 में।
अब रचना के चरण में क्या लिखते हैं हम लोग, जितने स्टेप इसमें आए, जो जो वर्क किए वो रचना का चरण होता है। तो ये बनाने के क्रम में हम लोग क्या किए, कैसे लिखेंगे रचना के चरण में, कि मान लेते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए पर ए एक्स एक रेखाखंड एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। ए से एक्स रेखा खींचा जो एक ए पे न्यून कोण बनाती है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनः हम क्या किए ए एक्स को तेरा इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, ए एक्स रेखाखंड पर तेरा इक्वल पार्ट लिए, इक्वल भाग विभाजित किए, इस प्रकार विभाजित किए कि ए ए डैश सॉरी ए ए वन बराबर होगा ए वन ए टू के, बराबर होगा ए थ्री ए ए थ्री ए फोर के, बराबर होगा ए फोर ए फाइव के, बराबर होगा ए फाइव ए सिक्स के। तो इस प्रकार हम खंड जो बांटे हैं वो सभी इक्वल होंगे। काफी सिंपल था, ठीक है, नोट करें। रचना के जो चरण है या रचना बनाने के क्रम में हम लोग क्या क्या स्टेप उठाए हैं उसको लिखना होगा हम लोगों को। रचना का चरण लिखेंगे, रचना का चरण में सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी रचना का चरण क्या था। पहला स्टेप मेरा क्या था, ए बी रेखाखंड या 7.6 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी खींचा। पहला यही काम किए थे। दूसरा स्टेप में क्या किए थे, न्यून कोण बनाए थे ना, तो लिखते हैं दूसरा स्टेप में ए बी के साथ ए एक्स एक न्यून कोण खींचा, न्यून कोण बनाया। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या किए, स्टेप थर्ड, एक्स पर क्रमशः समान दूरी पर ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर कॉमा ए फाइव कॉमा ए सिक्स कॉमा ए सेवन कॉमा ए एट कॉमा ए नाइन कॉमा ए टेन कॉमा ए एलेवन कॉमा ए ट्वेल्व और ए थर्टीन चाप इस प्रकार काटा कि ए ए वन बराबर हो गया किसके, ए टू ए थ्री के, बराबर हो गया ए थ्री ए फोर के, मतलब ये डिस्टेंस सब इक्वल कर दिए। अब बराबर ए फोर ए फाइव बराबर ए फाइव ए सिक्स बराबर ए सिक्स ए सेवन बराबर एंड सो ऑन लिख लेना अपना, बराबर ए ट्वेल्व ए थर्टीन, समझ आ गया। अब चौथा स्टेप मेरा क्या हुआ, देखो ध्यान देना काफी ये। चौथा स्टेप में क्या किया हम लोग, ए थर्टीन को बी से मिलाया, ए थर्टीन को ए थर्टीन को बी से मिलाया, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या किए, ए थर्टीन बी के पैरेलल ए फाइव बी डैश खींचा, सुना रहा बात। पांचवा स्टेप ए थर्टीन पैरेलल समांतर ए फाइव बी डैश सॉरी ए थर्टीन यहां पर दिखा रहा था ए थर्टीन बी लाइन है ना, उसके समांतर ए फाइव बी डैश रेखा खींचा जो ए बी रेखाखंड को पांच अनुपात आठ के अनुपात
में विभाजित किया, विभाजित किया। तो इस प्रकार यह मेरा सॉल्व होता है स्टेप के साथ, ठीक है। नोट कर।